तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। भाई साहब ड्रॉप टू, डंकी का ड्रॉप टू आज रिलीज हो जाएगा। कब रिलीज हो जाएगा किसी को नहीं मालूम है, लेकिन ऑनेस्टली बोला जाए तो भाई ऐसी बड़ी बड़ी मूवीज के जो ये टाइमिंग होती है मोस्टली 11 बजे ही होती है, 10:30 या फिर 11 बजे के आसपास, मतलब 10 बजे के बाद और 11 बजे के आसपास हमें कभी भी ये फटने को दिख जाएगा। दूसरा यार, ड्रॉप टू का ये क्या चक्कर है? मतलब ये लोग ना सॉन्ग को सॉन्ग बोल रहे हैं, ना टीजर को टीजर बोल रहे हैं। जब टीजर आया तो उसे ड्रॉप वन बोला गया, एंड देन फर्स्ट सॉन्ग आ रहा है तो उसे ड्रॉप टू बोल रहे हैं। देन ड्रॉप थ्री में क्या हो सकता है, ड्रॉप फोर फाइव सिक्स में क्या हो सकता है, क्योंकि इन्होंने वादा कर रखा है भाई हम 6 ड्रॉप लाने वाले हैं और मूवी को अभी 30 दिन रह गए हैं, शायद 31 दिन इस मूवी को रह गए हैं। 21st of December इन्होंने रिवील कर दिया है। कल जो पोस्टर रिलीज किया था लुट पुट गया सॉन्ग के साथ और जो ड्रॉप टू है उसके साथ, जैसा कि इन्होंने वादा किया था, तो 21st of December वर्ल्ड वाइड अभी तक सुनने में आ रहा था कि चलो ठीक है ओवरसीज में ये मूवी 21st of December को रिलीज हो जाएगी। लेकिन भाई साहब ये हर जगह ही 21st of December ही क्यों दिखा रहे हैं? जैसे सालार वालों का बिल्कुल क्लियर एंड कट है 22 दिसंबर, मतलब 22 दिसंबर इंडिया में 22 दिसंबर को ही मूवी रिलीज होनी है और वही चीज़ लेके ये बैठे पड़े हैं और बिल्कुल धड़ल्ले से बैठे पड़े हैं। लेकिन ये लोगों ने बिल्कुल 21st of December को पूरा वर्ल्ड वाइड रिलीज कर दिया है। इट मीन्स ये कि शायद वर्ल्ड वाइड में तो भाई हमारा इंडिया भी आता है ना, तो हो सकता है कि 21st of December को ये इंडिया में भी रिलीज करने वाले हैं। तो सॉलिड स्ट्रेटजी चल रही है भाई। राजकुमार हिरानी जो ये माइंड गेम खेल रहे हैं ना, बहुत ही ज़बरदस्त माइंड गेम खेल रहे हैं, क्योंकि उन्हें खेलना भी चाहिए। सामने सालार है और एक और नाम अब जुड़ चुका है, एक्वामैन एंड द लास्ट किंगडम, 22nd of December को ये मूवी आ जानी है। तो कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है। ओवरसीज में ये बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया कि एक दिन पहले मूवी रिलीज कर देंगे, क्योंकि 22nd of December को एक्वामैन एंड द लास्ट किंगडम यूके यूरोपियन कंट्री यूएसए में फाड़ने वाली है और जबरदस्त फर्स्ट डे उसका बहुत ही भयंकर होने वाला है। तो डंकी पहले दिन अच्छी खासी कमाई कर लेगी ओवरसीज से, उसके बाद ठीक है धीरे धीरे वर्ड ऑफ माउथ जो काम करेगा, मतलब मूवी को पॉजिटिव रिव्यू मिल गए तो यस ऑडियंस पक्का जाएगी 22nd of December को देखने के लिए, देन उसके बाद मूवी देखते रहेंगे लोग डंकी को। दूसरा यार, ये ड्रॉप टू का क्या चक्कर है? मतलब सॉन्ग तो ये निकाल रहे हैं, हमें ट्रस्ट ये दिया गया था कि चलो ड्रॉप वन में टीजर है तो हो सकता है ड्रॉप टू में भी टीजर हो, क्योंकि ड्रॉप वन में हमने देखा कि शाहरुख खान एंड ये जो विकी कौशल है, देन उसकी जितनी भी टोली है सारे फ्रेंड मिलके, मतलब लंदन जाने के लिए यूके जाने के लिए ये लोग कितने हथकंडे अपना रहे हैं। वो डॉक्टर को बेवकूफ़ बना रहा है अपना शाहरुख खान की, भाई साहब ठीक है हमारा ये वीज़ा आप क्लियर कर दो या फिर मेडिकल क्लियर कर दो, हम वहाँ जाएंगे और जब हमारा बेटा होगा तो आपके नाम फिर नाम रखेंगे, तो वो बड़ा ही भयंकर और गंदा नाम होता है। दूसरा यार कि वो अपनी दादी की कसम खाता है, एट द टाइम दादी मर जाती है, तो ये सब चीज़ें हमें टीजर वन में देखने को मिला था। तो इससे ये पता लगा कि भाई साहब इंटरवल से पहले तक कहानी तो ये होने वाली है, देन इंटरवल के बाद की कहानी क्या होने वाली है छोटा सा पार्ट बचता है। तो वो सब चीज़ें देख के यार एक बार के लिए कन्फ्यूजन में हो रहा था कि भाई साहब आप ड्रॉप टू ड्रॉप थ्री ड्रॉप फोर ड्रॉप फाइव ड्रॉप सिक्स में ये सारी चीज़ें रिवील कर दोगे तो भाई मूवी में देखने के लिए आखिर बचेगा क्या? तो यार यहाँ पर ना ये बड़ी सॉलिड स्ट्रेटजी सेट करी है राजकुमार हिरानी ने कि भाई ड्रॉप टू में हम सॉन्ग लाएंगे, देन ड्रॉप थ्री में भी क्या हो सकता है सॉन्ग ही हो सकता है, देन ड्रॉप फोर में क्या हो सकता है छोटा मोटा टीजर हो, छोटा सा 45 या 40 मिनट की क्लिप हो, उसके हिसाब से थोड़ा थोड़ा मूवी का हमें दिखा दें, एंड देन जब ड्रॉप सिक्स आएगा फाइनल, तो उसमें मुझे लग रहा है कि ये फाइनल ट्रेलर होने वाला है जो पूरा मतलब रिकॉल करेगा स्टार्ट से लेके एंड तक, मतलब पूरी मूवी में आपको क्या क्या मिलने वाला है, जो एक बूस्टर का काम करेगा लास्ट में जब मूवी की रिलीज डेट करीबन 8 से 7 दिन या फिर 9 दिन रह जाएगी, वहाँ पर फुल बूस्ट कर देगा लोगों को कि भाई साहब ये है हमारा कंटेंट और आपको मजबूर होना पड़ेगा उस मूवी को देखने के लिए। स्ट्रेटजी सॉलिड है और इन्हें ये सॉलिड स्ट्रेटजी बनानी भी पड़ेगी, क्योंकि भाई सालार बहुत मतलब प्रभास द डायनासोर फुल एक्टिव है, फुल हाई एक्शन मोड में एक्टिव है अभी से ही, ताबड़तोड़ एडवांस बुकिंग उसकी शुरू हो चुकी है। दूसरा एक्वामैन एंड द लास्ट किंगडम का भी खतरा है, तो कब आ सकता है ये ड्रॉप टू वो आप लोग बताएंगे। भाई साहब मेरे हिसाब से 11 बजे एक लास्ट टाइम है जहां पर ये सॉन्ग आ जाएगा और बेस्ट ऑफ द बेस्ट टाइम है जहां पर लोग सभी एक्टिव होते हैं, आपके हिसाब से ये कब आ सकता है? मिलते हैं सीधे ड्रॉप टू में, मतलब लुट पुट गया सॉन्ग में। जब तक के लिए आपके हिसाब से ये सॉन्ग कब आ सकता है?